नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CSEL जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, बात करेंगे हम केंद्रीय भंडारण निगम में जो है अप्लाई एंड ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इसका अप्लाई एंड ऑनलाइन फॉर्म करें। केंद्रीय भंडारण निगम में ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आपको बताया जाएगा कैसे आप इसमें अप्लाई एंड ऑनलाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिना गलती करें। तो वीडियो को पूरा देखिए, वॉच पूरा करना, जब भी आपको पता चल पाएगा। अगर वीडियो पूरा वॉच नहीं करोगे तो आपको पूरा कुछ नहीं पता चल पाने का। तो अपना जितना हो सके वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, जब भी आपको पता चल पाएगा। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा मोटिव बढ़ता है और अच्छा लगता है। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, जब आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखोगे, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसे मैं अपलोड करूँगा ये वीडियो, जो भी मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखे हैं उन्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती है। तो आपसे ये बोलना चाहता हूँ, आपको कोई मतलब कि अच्छा ही है आपके लिए कि आपको सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिले, अपडेट पहुँचे आपके पास कि इस ये चीज़ की वीडियो आ चुकी है। तो अपने भाई को सपोर्ट दिखाएं दोस्तों। चैनल का नाम आपको पता ही है, जैसे आप यूट्यूब पर डालोगे तो सबसे ऊपर आपका ये चैनल का नाम आ जाएगा, CSEL जॉब्स ऑनलाइन। चलते हैं, फिर बताते हैं आप केंद्रीय भंडारण निगम के बारे में दोस्तों, कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। दोस्तों, sarkariexam.com पे आपको आना है, इस वाले वेबसाइट पर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप जनरल OBC WS से आते हैं मेल कैंडिडेट तो आपको 1250 रुपये फीस है। अगर आप SC ST या विकलांग या फीमेल है तो 400 रुपये आपको फीस है। अगर आपकी स्टार्टिंग की फॉर्म की बात करें तो 26 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 24 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। एग्जाम डेट की अभी कोई डेट नहीं है अवेलेबल सुन आ रहा है, तो इसमें कोई भी कनेक्शन की करने की डेट भी यहाँ पे नहीं दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको फॉर्म को सफलतापूर्वक भरें, मतलब कि कोई गलती ना करें, नहीं तो आपको फॉर्म में सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। और नीचे आना है, नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन क्लिक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा। खुलने बाद देख सकते हैं 26 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, 24 सितंबर लास्ट डेट है। अभी आपको फॉर्म अप्लाई कैसे ऑनलाइन करना है दोस्तों, एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने बाद आपको फर्स्ट नेम डालना है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वो आप डालेंगे। फिर से फर्स्ट नेम, अगर मिडल नेम है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ देगा। उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद फिर से लास्ट नेम डालना है आपको। उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर से आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपसे ईमेल आईडी डालनी है। पूरी ईमेल आईडी आपको यहाँ से देखनी है कौन सी ईमेल आईडी आपकी। उसके बाद दोबारा से पूरी आईडी आपको डालना है, एक कैप्चा डालना है, और सारा डालने के बाद एक बार चेक कर लेगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने बाद आपका जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो चुका है, यहाँ पर राइट लग चुका है। अब आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो आपका 20 KB से 50 KB होना चाहिए, JPG में। साइन आपका 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। फटाफट मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं फोटो एंड साइन मैंने अपलोड कर दिया है। जब आप फोटो साइन अपलोड कर देंगे उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है, दोनों पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने बाद इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अब आपको यहाँ पर पूछना है डू यू वैंट टू अप्लाई अंडर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप चुनेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको पोस्ट अप्लाई फॉर, यहाँ पर कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई देना चाहते हैं, उसके बाद कोड आपका आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद आपकी जाति कौन सी है इनमें से आप देख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कह रहा है अप्लाइड अंडर विच कास्ट, आपको दोबारा से कास्ट यहाँ पर देखनी है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है विकलांग है, अगर आप विकलांग है तो यस कर सकते हैं। उसके बाद विकलांग का प्रकार यहाँ पे चुनेंगे, नहीं तो आप इसे नो ही रखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने बाद यहाँ पे भी आपको नो करना है, और एक बार जो है नीचे आना है और यहाँ पे अपना धर्म चुनेंगे, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, जो भी है उनमें से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप मुस्लिम कैंडिडेट है तो यहाँ पर मैनुअली में आपको यस कर देना है, अगर आप नहीं है हिंदू है तो आप इसे नो रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आपको नो रखना है। उसके बाद यहाँ पे भी अक्सर मिस मैंने तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ पे भी आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी नो करना है।
उसके बाद नेशनलिटी इंडियन आ जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपका कौन सा स्टेट है वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे सेंटर के लिए बोल रहा है, तो आपको जो भी आपको सेंटर आपका पास में हो वो आप चुनेंगे यहाँ पे। और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद जेंडर मेल है फीमेल है। उसके बाद आप जुड़वाए हैं, अगर आप जुड़वाए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है मैरिड स्टेट है, मैरिड है या अनमैरिड है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिताजी का नाम आपको डालना है अपने। उसके बाद आपको अपनी मम्मी जी का नाम डालना है, मदर का। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस देना है, अगर आपका ये कम्युनिकेशन एंड परमानेंट आपका एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे अलग अलग भी डाल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। परमानेंट है तो एक सही, अगर मतलब कि अगर आपका दोनों एड्रेस एक है तो यहाँ पे आप पिन कोड के साथ में एक एड्रेस डाल सकते हैं, अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग आप दे सकते हैं। तो फिलहाल मेरा एक ही एड्रेस है तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद परमानेंट पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऐसे फॉर्म को अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे 400 रुपये फ़ीस दिखा रहा है। तो देख सकते हैं मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था 400 रुपये फ़ीस है बताई थी, तो 400 रुपये मेरी लग रही है। अब आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगला पेज आपका एजुकेशन से रिगार्डिंग का आएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन की डिटेल डालनी है दोस्तों, समझ लीजिए कैसे कैसे डालनी दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन ऑफ डिग्री इनमें से आपको देखना पड़ेगा, सिविल इंजीनियर आपको चुनना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर कब आपने पास की थी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, मंथ कौन सा था आपका, तो यहाँ पर आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके जो भी आपने किया था। उसके बाद आपकी परसेंटेज क्या रखी गई थी, आपकी परसेंटेज क्या थी डिप्लोमा में। उसके बाद आपका फर्स्ट सेकंड या पास था वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास पीजी का डिप्लोमा कोई डिग्री है या डिप्लोमा है वो डाल सकते हैं, नहीं तो नो छोड़ेंगे। उसके बाद ये कह रहा है डू यू हैव वर्किंग कंप्यूटर, अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान आता है चलाना आता है तो आप इसे यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे नो भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अक्सर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं एक्सपीरियंस लेटर अपना, नहीं तो आप इसे नो ही रखेगा। उसके बाद लैंग्वेज पाएंगे, लैंग्वेज आपको एक लैंग्वेज भी आप दे सकते हैं, वैसे तो एक लैंग्वेज आपकी कंपलसरी है, बाकी आपकी इच्छा है आप दो भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं और एक भी लैंग्वेज दे सकते हैं। फिलहाल मैंने दो लैंग्वेज दे चुका हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश, तो मेरे पे हिंदी एंड इंग्लिश ही बोलना आता है, तो मैंने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दे दिया है। उसके बाद बोलना लिखना पड़ा सारा कुछ कर दिया है मैंने टिक। अगर आपके पास इनसे अलावा कोई भाषा आती है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू आ जाता है दोस्तों। आप एक बार क्या करेंगे, आप फिर फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कोई गड़बड़ हो चुकी है फॉर्म में, गलती हो चुकी है, तो आप बैक जाकर अपना फॉर्म सुधार सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर सुधार बैक का फॉर्म यहाँ पर बैक का दे रखा है ऑप्शन, मतलब अपना बैक जाकर जो है सुधार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है दोस्तों, आपका फॉर्म में रजिस्ट्रेशन में सारा कुछ ओके है, तो आपको क्या करना है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है, फिर से ओके करेंगे। अब आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको थंब अपलोड करना है अपना, और आपको यहाँ पे साइन अप को फोटो यहाँ पे थंब एंड आपको हाई राइटिंग यहाँ पे अपलोड करना है। हाई राइटिंग आपको दिखा देता हूँ कैसी रहेगी। दोस्तों हाई राइटिंग आपको जो है कोरे पेज पे लिख लेनी है कि मेरा नाम ये है, मेरा मेरा जो है यहाँ पे सारा कुछ मेरा ही है, यहाँ पे कोई सी और का नहीं पाया गया है, इस तरह से आप लिख लेंगे। आपको थंब अपलोड करना है 20 से 50 KB के बीच, और डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए JPG में। फटाफट दोनों चीज़ को अपलोड कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने दोनों चीज़ अपलोड कर दी है। अगर आपको चेक करना है ये क्या चीज़ अपलोड हुई है, तो आप यहाँ पर प्रीव्यू पेज पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका दिख जाएगा फिंगर आपका अपडेट हुआ नहीं हुआ, मतलब अपलोड। उसके बाद ओके कर देगा। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। अब आपका ये पेमेंट के लिए बोल रहा है, तो आपको ये कैप्चर डालना है, और यहाँ पर कैप्चर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है दोस्तों। करने के बाद आपको पेमेंट के ऑप्शन पर ले आएगा ये पेमेंट। आपको यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश या QR कोड या UPI,
जो भी आपको अच्छा लगे, को जो भी आपको इजी लगे हो, जो भी आपको पसंद है, उससे आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से करना है सिंपल सा, डेबिट हुआ कार्ड पे आपको क्लिक करना है, जो भी आपके पास कार्ड है उसका कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है, एक्सपायरी डेट आपको डालनी है, उसके बाद सीवीवी नंबर डालना है जो आपको एटीएम की बैक तरफ मिलेगा, उसके बाद आपको नाम डालना है जो आपका नाम है बैंक अकाउंट में वो डालना है, उसके बाद बैंक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप डाल देंगे, पेमेंट आपकी कट जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप क्यूआर कोड से करना चाहते हैं या और किसी से करना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना फॉर्म इस तरह से आप केंद्रीय भंडारण निगम का जो है फॉर्म अप्लाई एंड ऑनलाइन कर सकते हैं बिना कोई गलती करे। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझा दिया है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड और भाई और दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।